बज्जी बेटा, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? तेरा पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है? बैगन। क्या बैगन? हाँ सर जी, हाँ बैगन बहुत पसंद है मुझे, बहुत बहुत बढ़िया लगे बैगन मोए का। हमारे घर पे मेरी मम्मी, मेरे पापा सब ने बैगन अच्छा लगे, हर एक दिन छोड़ कर बैगन बने हमारे घर। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा भज्जी, हमारा ऐसा काम करेगा। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा भज्जी, हमारा ऐसा काम करेगा। गलत सोचते थे पापा, नाम करेगा भज्जी, हराम का खाकर पेट भरेगा। पापा के गा क्यों लगा रहो? गा काई ग्रुप को? ए ए पापा, मैं तो ए ए पापा पापा मैं तो तेरी है ना ज्यादा आदत बिगड़ती जा रही है दिन पे दिन। तोते कोई घर में कुछ कहना रहो तो हमारे सिर पे बैठेगा, सिर पे चढ़ेगा हमारे। ए ए पापा, मैं कब चढ़ रहा हूँ तुम्हारे सिर पे? है मैं कब चढ़ रहा हूँ और मैं तुम्हारे सिर पे चढ़ के करूंगा का? ए क्या हो गया? अपने छोरा तो पूछ ले काहे को का नहेगो, ज्यादा हराम पने पतर रो काई। ए भज्जी बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों गुस्सा होने तेरे पापा तुझ पर? ए मम्मी, गाना गा रहा हूँ मैं, गाना पता ना गाने के ऊपर काई गुस्सा है। गाना गा रहा हूँ तू? गाना यूँ तो बता दे, गा कैसे रहो तू? गाना कैसे गा रहा हूँ? कैसे गा रहा मैं गाना? यू गा रहा हूँ, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा भज्जी, हराम का खाकर पेट भरेगा। ले हम जाते उम्मीद लगाए बैठे कि हमारा बेटा कुछ ना कुछ करेगा और यू हराम पने पतर रहो, हराम को खाएगा, यू हराम को खवाएगा। गलत सोचते हैं पापा नाम करेगा। ए ए पापा, मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी गा रहा हूँ गाने, तुम्हारे ऊपर थोड़ी गा रहा हूँ, मैं तो गाना लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ दिमाग में कि मैं भी एक गाना बना दूँ, मैं भी फेमस हो जाऊंगा। मैं गा रहा हूँ ऐसे गाना यार, नया गाना बना रहा हूँ मैं। नए गाने बनाने के लिए स्टोरी भी होनी चाहिए कोई, बना रहा है तू नया गाना? ए या गाने की यही तो स्टोरी कि पापा सोचेंगे बड़ा नाम करेगा और बेटा हराम को खा के पेट भरेगा, यही के ऊपर बना रहा मैं गाना और तुम अपने ऊपर ले जा रहे हैं। मेरे या गाने की यही तो स्टोरी है, बस उम्मीद करते रह जाएंगे या के पापा जिंदगी भर के हाँ मेरा छोरा नाम करेगा, नाम करेगा, पर छोरा हराम को ही खाएगा या गाने। और तुम सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर गा रहा, मेरे ऊपर गा रहा। ऐसा ना पापा, तुम्हारे ऊपर ना गा रहा मैं या गाने। तेरा बाप हूँ मैं, बाप सुनी तेरी नस नस्ते बाकी हूँ, पता तू कौन को ऊपर गाना गा रहा, कौन को ऊपर ना गा रहा? तू गानो बना रहा स्टोरी है ना, चाह रहा तू फेमस? तुम्हारे ऊपर गा रहा मैं? हाँ मेरे ऊपर गा रहा तू? अच्छा ऐसा, तो मैं यह गाने खत्म करके एक और गाना स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब वाइबी में तुम्हारे ऊपर ही गा रहा। कौन सा एक और गाना? यू वाला, पापा के कच्चा में बड़ा ततैया हाय दैया, पापा के कच्चा में बड़ा ततैया हाय दैया। यह गाने गाने वाला हूँ मैं, अब तुम सोचेंगे कि यह ततैया भी है, मैं तुम्हारे कच्चा में जबरदस्ती घुसा मचा रहा हूँ। तुम तो मेरी कोई दुश्मनी है, मैं ऐसा ऐसा करूंगा तुम्हारे साथ? बतेंगे मम्मी बतेंगे, हर बात पापा अपने ऊपर ले जा मेरी, मुझे पता ना का खुंच खाए बैठे हैं पापा। मैं बता रही हूँ तुमको, तुम है ना मेरे लड़का को कम डांटा करो, है बहुत बहुत डांटते हो तुम मेरे लड़का को। उस पे किसी ना किसी बात का गुस्सा उतारते ही रहोगे, तुम उतारते ही रहोगे। तू भी यही किसी बोलेगी? हाँ तू भी, हाँ मैं पता हूँ तू भी यही किसी बोलेगी। क्या यही किसी बोल रही हूँ मैं? या किसी ने बोल रही तो और कौन किसी बोल रही है? तू है या कमाई पसंद, हरदम या कमाई, कभी मेरे माई भी पसंद लेकर। चल मैंने मान ली हूँ, गाना लिख रहा हूँ, गाना लिख रहा हूँ तो ऐसा गाना लिखेगा यूँ है काहे कि कच्चा में ततैया बड़ा दे रहा हूँ, ऐसा गाना लिखेगा यूँ, ऐसे गाने तो फेमस होएगा। ऐसे गाने वायरल हो रहे हैं आजकल। जरूर जरूर रह रहे होंगे ऐसे गाने वायरल। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। ए भज्जी कैसे सुबह सुबह मुंह लटका के बैठा हो? अब का बताऊं तुझको? बता दे का बताऊं, का बताऊं कर रहा हूं, बता दे का गा रहा हूं और हमने काय के ऊपर डांटा हो तू? तेरे दोस्त को भी तो पता चलनी चाहिए, हम तो कोई खामा खाना डांट रहे, कोई वजह है हां या मारे डांटो मैंने तू? ए भज्जी काय के ऊपर डांट दियो तू? ए गाना गा रहा मैं, वाक के ऊपर डांट दियो। चलो बेटा तू भी गाना लिख रहा हूं फेमस होने के लिए? हां मैं भी लिख रहा हूं गाना, मैं भी फेमस होना चाहूं गाना गा के, मैं भी स्टार बनना चाहूं। हाँ तू सुना गाना, और या भज्जिया बता कैसे गाने तो फेमस हुआ जाएगा, यू लिख रहा खामा खा के उठपटांग गाने है ना, चाह रही हूँ फेमस। सुना दूंगा बेटा, दिखा देगा कैसा गाना गाना चाहिए और कैसे फेमस हुआ जाएगा। हाँ हाँ तो मैंने लिखा गाना यू, अभी अभी पूरा ना हुआ वैसे। तेरी माँ की चू, तेरी माँ की चू भी दिलाऊं मैं तेरी दी। कौन सी स्टोरी के ऊपर गाना हो? ए या गाने में चूड़ी दबा रहा हूँ, चूड़ी माँ की चूड़ी। तो चूड़ी बोल दे तुम्हारी, अभी रुक जा, दोनों ये खेत की मूरी है, अभी बताऊंगा बेटा, रुक जा तुम।
कहाँ गई दोनों? ए, ए, छोड़ चलो छोड़ो, गई गई वो स्कूल, गई स्कूल। ए, ए, तू का एक भागी आयो अपने घर से है? तेरे पापा कह रहे अभी रुक जाओ, अभी आ रहा हूँ बेटा मैं। तू भागी आयो? मैं भागी आया था, तू रुक जाता थोड़ी देर, तभी पता पड़ जाती काई को भागी आयो मैं। ए, रुकना चाहिए ना हमें थोड़ी देर, रुक जाते हम लेट थोड़ी है रे स्कूल को, रुक जाते थोड़ी देर, वो कह रहे थे। तो मैं भी तो तू तो यही बात कह रहा हूँ, तू रुक जाता, मैं तो भागी आया तो भागी आया, तू रुक जाता थोड़ी देर, देख ले तो क्या कर रहे, क्या कर रहे, काई को रोक रहे तू, तभी तो पता चल जाती काई को, कह रहे रुक जाओ बेटा अभी। जब देते ना घुमा के दो तीन बार तेरी गांड पे, तब पता चल जाती कि हाँ काई को रोक रहे, काई को रोकने की कह रहे। क्या देते गांड पे? डंडा लेने गए, तेल लगो लगाया, डंडा रखने लगा हुआ के कब मेरा मूड चटके, कब काई की गांड पे आ फेरूं। मतलब मैं रुक जाता तो मुंह पे बजाते हो? बजाते चीतावन की खाल खींच लेते हर बार डंडा के संग, हैं बजाते कई चक्कर में रुकी मत जाइए, ऐसा कभी कह रहे अभी रुक जाओ बेटा अभी बताऊंगा। हाँ ये तुरंत ही बहुत बड़ा फट्टा बजाना मेरे बाबा, फिर ना देखे कई दोस्त है यार कौन है कौन ना, फिर तो चूतड़ी देखे चूतड़न तो ऐसी तोड़ दे डंडा है मेरे भैया है। तो मुँह से तो कह दे तो भाग भज्जी भाग, डंडा ला रहे पापा डंडा ला रहे, तू तू तो मुँह पे बजवा दे तो आज क्यों तू ना देख दे काहे को भागो ना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चिल्ड्रन टुडे अगेन विल आस्क यू क्वेश्चन इन इंग्लिश, ओके? ठीक है सर। ए धनु का कह रहे हैं सर जी इंग्लिश में? मेरे कुछ पल्ले ना पड़ी या भारत में अंग्रेज पता ना जो इंग्लिश से काई को छोड़ गए, जब यहाँ पे यू भाग के गए या अपने इंग्लिश से ना अपने संग ले जा सके, छोड़ गए यहाँ पे या इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश होती ना फिर ये इंग्लिश में सवाल पूछे जाते, कुछ पल्ले ही ना पड़े का कह रहा सर जी। सबो स्टैंड अप। सबो व्हेन विद महात्मा गांधी वन? धनु का कह दिया सर जी ने? When is Mahatma Gandhi born? मतलब सर जी पूछना चाह रहे हैं कि महात्मा गांधी कौन? अच्छा अच्छा हाँ हाँ ऐसे लग रहा हूँ मुझे। Tell me Sabo son. Yes sir, yes. Sir Mahatma Gandhi was born in 2 October 1969. Good Sabo, good. ए याने तो डेट सी बता दी, ये डेट सी मुँह लगे और कुछ पूछो दिखे सर जी ने। हाँ पहले गलत बता दी मैंने, सर्जन ने पूछा कि महात्मा गांधी कब मर गए, तो सबो ने बता दिया 2 अक्टूबर 1969। यू कितना हो गए? मतलब 2 अक्टूबर 1500 अच्छा तो यू पूछा सर्जन ने? हाँ तो या तारीख को मरे महात्मा गांधी? हाँ हाँ। सबो भज्जी स्टैंड अप। ए तू तो खड़े है नहीं कह रहे? मेरा नाम भज्जी थोड़ी है, तेरा नाम है भज्जी, तू खड़ा हो तो कह रहे मोत गाय को कह रहे। अच्छा भज्जी कहिए। स्टैंड अप भज्जी। हाँ हाँ। ए या ते का पूछूं जो यू बता दे बे, नहीं तो ये उल्टो सीधो ही बोलेगा कुछ, या के पसंदीदा सब्जेक्ट में ते पूछ लूं, नहीं तो फिर ये उल्टो सीधो जवाब देगा। भज्जी बेटा व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? तेरा पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है? बैगन। क्या बैगन? हाँ सर जी हाँ बैगन बहुत पसंद है मुझे, बहुत बहुत बढ़िया लगे बैगन मोए का, हमारे घर पे मेरी मम्मी मेरे पापा सबन ने बैगन अच्छा लगे, हर एक दिन छोड़ के बैगन बने हमारे घर। तुम्हें पता तो जो चीज सबकी फेवरेट हो गए तो वो जल्दी जल्दी बने घर में है नी। तो हमारे घर बैगन बहुत बने। हाँ बहुत बहुत अच्छा लगे बैगन हमें। हाँ हफ्ता में कम से कम 3-4 बार बैगन बन जा हमारे घर। मैं तो यूँ पूछ रहा हूँ तेरी फेवरेट सब्जी क्या है? और क्या पूछ रहे हो? सब्जेक्ट माने सब्जी, सब्जी तो होती दीखे। सबको बता दीजिए क्या पूछी मैंने आते? सर जी तुमने आते पूछी भज्जी तेरा फेवरेट विषय क्या है? पता चल गई क्या पूछी मैंने, लगा सबको दोया के कान पे जो अकल ठिकाने आ जाया की जा सबको तेज के दिए दोया के कान पे भरे ना जो पूरी क्लास में आवाज गूंजे जा जल्दी। ओ वहीं बैठी थे वहीं, अभी अभी लगवा दूंगा कान पे बताऊं तो। अभी क्या कह रहे हो आपके बोलिए काका बोलो, तुम मान लो जितने मान्य हो मेरे बढ़िया बना लो जो कुछ करना हो वो कर लो, पर लड़किन के हाथ अंदर तो थप्पड़ मत लगवाओ मेरे कान पे है, मतलब हमारी कोई इज्जत ही ना नहीं। तो आ जा फिर यहाँ पे ना, आगे डरे हम, तुम बजा लो जितना बजाना हो पर लड़किन के हाथ भी ना लगा लूं मैं अपने शरीर पे है। ले तो नहीं बजा, ले फिर लड़किन के हाथ अंदर लगा कर ले फिर बस खुश है गई मन की ना बैठे नीचे